जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स रिश्वत कांड में हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ लगाए गए आरोप, सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची अर्जी, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, राजनीतिक रूप से संवेदनशील 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स रिश्वत कांड में हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ आरोप लगे हैं। सभी आरोपों को रद्द करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। अधिवक्ता अजय अग्रवाल की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने 2 नवंबर 2018 को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जांच एजेंसी उस फैसले के खिलाफ उनके द्वारा दायर अपील में सभी आधार उठा सकती है। अर्जी में कहा गया है, आवेदक द्वारा इसके मामले को दायर करने के लगभग 16 साल बीत चुके हैं और इस घोटाले को हुए 35 साल बीत चुके हैं। इस दौरान हिंदुजा बंधुओं को छोड़कर सभी आरोपितों की मौत हो चुकी है। याचिका में कहा गया है, रक्षा क्षेत्र में घोटालों की पुनरावृत्ति हुई है क्योंकि इससे पहले घोटाले यानी बोफोर्स मामले के आरोपितों को सजा नहीं दी गई। न्याय के हित में यह उचित होगा कि मामले की जल्द सुनवाई की जाए। भारतीय सेना के 155 मिमी होविट्जर तोपों की 400 इकाइयों की दो आपूर्ति के लिए भारत सरकार और एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपये का सौदा 24 मार्च 1986 को हुआ था। स्वीडिश रेडियो ने 16 अप्रैल 1987 को दावा किया था कि कंपनी ने सौदा हासिल करने के लिए शीर्ष भारतीय राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत दी थी।